आज हम लोग बना रहे हैं सूखी घास का गाजू का लुट्टा। मटन 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 कितने रुपए केजी दे रहे हो? और इसे ना बल्कि करना इसे असौज महीने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके बाद दिवाली आती है, अदरवाइज इसकी कोई खूबसूरत बात नहीं है, स्पेशली गांव घरों में, क्योंकि लोग खाना तक भूल जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं इस महीने में काम को लेकर। सो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। स्वागत है आपका स्नेहा माही के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आई हूँ छत पे अपना काम शुरू करने के लिए। अब मैं डालूँगी भट्ट सुखाने के लिए, जो कि हमने कल रात ढक दिए थे। अब मैं इसको पहले करूँगी अनकवर, उसके बाद इसको फैला देंगे। हालांकि अभी तक धूप नहीं आई है हमारे यहाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ लेट धूप आती है। तो अनकवर कर लेते हैं और डाल देते हैं सुखाने के लिए। धूप आई जाएगी, बादल नहीं है आज, मौसम अच्छा खासा है, पूरे आसमान में कहीं पे बादल नहीं है, धूप अच्छी खासी खिल चुकी है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं धूप का। तो प्लान हो गया हमारा चेंज। जो ये गहते हैं हमने डालने हैं नीचे आगे वाले आंगन में, शायद इनको छूटेंगे तो। और वो वाले भट्ट हैं जो वहाँ पे मैं गई उस छत में है, जो दूसरे वाले छत में, वो यहाँ ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप अच्छी आती है, वहाँ पर थोड़ी कम आती है। कहाँ पे डालूं? ठीक है। ये देखिए माई यहाँ पे कर रहे हैं मीट कटिंग का काम। न्यू काम खोला गया आपने? हाँ। तो मटन 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 कितने रुपए केजी दे रहे हो? मटन वाला ब्लॉगर। तो आज हमारा बनने वाला है मटन भात दोपहर में। पापा सुबह सुबह लेके आ गए आज मटन, क्योंकि मेरा मटन खाने का मन था। और कटिंग के लिए लगा दिया माही को, पापा अपने काम में लगे हुए हैं। ये दोपहर की लंच की तैयारी चल रही है, थोड़ी देर पहले नाश्ता हुआ है। 10 बजे हमारे लंच की तैयारी। गांव में यही होता है यार, गांव में उठ कितने बजे जाते हैं? 4 बजे उठ जाते हैं लोग। खतरनाक धूप के बीच अभी हम लोग आ रखे हैं खेत में। अंशु भी है मेरे साथ, और मैंने देखो टी शर्ट कैसे बना रखी है, इस पर ना बाहर से ऐसा ताल बोलते हैं इसको, ये लगा रखा है। अंदर पूरी फट रखी है टी शर्ट, देखिए, ये देखिए पूरी फट रखी है। ये जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन पूरी फट गई थी, तो तब से रखी रखी घर में बेकार हो रही थी। मैंने कहा इस पर मैं टाल मारता हूँ आज, खेत में काम करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। और फ़ोन ऑन रखने के लिए भी मस्त हो गया है, ये देखो जेब बना दी है मैंने इसकी। और अभी मैं मम्मी के साथ आया हूँ नीचे खेत में, दिखाता हूँ क्या करने आए हैं। मम्मी यहाँ पर घास बांध रही है, ये सुखाने को डाला था, तो मैं इसको ऐसे पकड़ के, अंशु और मैं इनको ऐसे एक एक दो दो पकड़ के वहाँ पे मंदिर के सामने वहाँ पे तक पहुँचा रहे हैं। अभी दिखाता हूँ। वहाँ पे से ऐसे लेके इसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, यहीं पे से ला रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे से ला रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। और इसको इकट्ठा करने के बाद फिर शाम को पापा इस पर बनाएंगे इसका लूट। इस पर सारा मतलब इकट्ठा करके इसको एक बनाएंगे लूट जैसा, ऐसे ही कुछ बनाते हैं ऊपर को, जो लोग पहाड़ी हैं वो तो जानते ही हैं। तो ये है आज का लंच, चावल और मटन। आज हम लोग बना रहे हैं सूखी घास का गाजू का लुट्टा। तो अभी पहले इसका बेस बनाया नीचे, इस पर लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ वगैरह रखी ताकि ये घास ख़राब ना हो, क्योंकि इसको 1 साल चलना है अभी। तो अभी पापा चढ़े हैं लुट्टे में, पापा बनाएंगे, मैं फ़िलहाल डाल रही हूँ, फिर ऊपर ऊपर जब ज़्यादा ऊपर हो जाएगा फिर माही डालेंगे। अभी दिखाएंगे आप लोगों को कितना बड़ा लुट्टा बना। ये सारी घास हमने दोपहर में इकट्ठा की थी ना, तो ऐसे छोटे छोटे बनाए थे, एक दो, एक थोड़ा वहाँ पे भी था, तो इन तीनों का अब एक बड़ा सा लुट्टा बनेगा, इतना बड़ा। अभी लास्ट में दिखाएंगे आपको ये पूरा बना के। स्नेहा भी लगी हुई है, मम्मी भी डाल रही है, पापा बना रहे हैं। अभी वो लोग वहाँ से डाल रहे हैं ना, मैंने ये वाला डालना है पूरा, यहाँ से उधर डालना है। मैं आ गई अभी नीचे, अभी माही डाल रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा ऊपर ऊपर जा चुका है। असौज का अभी लास्ट चल रहा है और हमारा फर्स्ट लुट्टा है इस बार। क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो इस वजह से काम सारा लेट हो गया। अदरवाइज अभी तक आई थिंक 3 लुट्टे बन चुके होते, तीसरा तो बन रहा होता अभी तक। और सामने पे है यहाँ पे दुकान, यहाँ से हम छोटी मोटी चीज़ें ले जाते हैं खाने की। आई थिंक सारी चीज़ें मिलती है इधर, छोटी मोटी चीज़ें तो क्या ज़रूरत की सारी चीज़ें। तो फाइनली बन गया है हमारा पूरा का पूरा लुट्टा। ये देखिए पापा नीचे आ गया बना के, मैंने भी हेल्प की, माई ने भी की, मम्मी ने भी की, सबने मिलके हेल्प की। तो जल्दी से जल्दी बन गया, 10 मिनट में बन गया हमारा लुट्टा एकदम रेडी। अब थोड़ा सा जो ये बच गया है ये वाला, ये दूसरे लुट्टे में जाएगा क्योंकि सूखा नहीं अच्छे से। तो मम्मी उसको पलटा रहे हैं पहले। मम्मी देखो ये, इससे हमने कल ढका था क्योंकि बारिश हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, तो इससे हमने घास को ढका था। अब इसको हम कर ले जाएंगे फोल्ड करके क्योंकि दोबारा भी चाहिए भाई ये हमको। अभी लुट्टा कंप्लीट बन गया है, सीधे चलते हैं घर पे, चाय पानी पीते हैं। और इसे अरे देखे नहीं इसे यो उसके लिए इसके लिए ये आता बाद में ये आदि लो लो और इसे ना करके चलना इसे। इतने दिन ही हो यार मैं इस पे ये गहत पे फटेला लगा रही हूँ पंखे से, मुझे आ नहीं रहा है मम्मी मुझे आ नहीं रहा है तो मम्मी सिखा रही है मुझे, मैंने ऐसा वाला किया नहीं है पहले। तो ये गहत की डाल है जो हमने सुखाने डाले थे ना, आज सुबह हमने नीचे डाले तो पापा ने चूटे हैं अभी। और मैं इसको बता रही हूँ बताना बोलता है इसको। फटेला तो 2 लोग लगाते हैं, फटेले का काम पंखा कर रहा है अभी। तो अभी मम्मी करने लगी बताने का काम क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा है और मम्मी के लिए लेट हो रहा है क्योंकि शाम हो रही है। और जो गहत की दाल है पापा बता रहे हैं कि इसको जिसको स्टोन की बीमारी होती है पथरी की, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है ये एज ए मेडिसिन क्योंकि ये स्टोन को गला देता है इसकी दाल खाने से। बाकी हमारे हुए नहीं है ज़्यादा, अगर ज़्यादा हुए रहते तो कोई कमेंट करना, फिर भी हम दे देंगे थोड़ा सा। पहले पंखे से हवा लगाई, इसको फटेला लगाया, अब मम्मी ऐसे साफ कर रहे हैं इसको, सूप से कर रहे हैं, सूप से, ताकि सारा मोटा मोटा आगे निकल जाए और गहत के दाने दाने पीछे रह जाएं। और इसको फटकना बोलते हैं, ये भी मुझे नहीं आता, ये भी सीखेंगी मैं। तो ये हुए हैं हमारे फाइनल गहत, इतने सारे हुए हैं तो आप लोगों को फाइनल दिखाना था मैंने। और बाकी आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, कल सुबह 8 बजे एक फ्रेश व्लॉग के साथ मिलते हैं। आप लोग अपना और अपनों का ध्यान दीजिए। स्नेहा माही को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।